हे गाइस, वेलकम टू गार्डनिंग आंसर्स। आज हम देखेंगे कि इलायची की ये सीड्स की जर्मिनेशन कैसे की जाती है। इलायची सैफ्रॉन वेनिला के बाद तीसरी सबसे महंगी मिलने वाली स्पाइस है। सारे मसालों में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसका हमारे इंडिया और पाकिस्तान में। जब बात आती है इलायची के सीड्स को जर्मिनेशन करने की, तो माना जाता है कि इसकी जर्मिनेशन करना इतना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल से इसकी जर्मिनेशन होती है। चलिए आज हम भी देखते हैं कि हमसे इसकी जर्मिनेशन हो सकती है या नहीं। तो इसकी जर्मिनेशन के लिए हमें चाहिए इलायची के कुछ सीड्स। आप ट्राई करें कि आपको ऐसी इलायची मिले जो कि फ्रेश हो, या फिर आप ऑनलाइन या कहीं से इसके फ्रेश सीड्स ख़रीद लें। जब हमारे पास इलायची के बीज आ जाए, तो सबसे पहले हमें करना ये है कि उसे एक रात के लिए पानी में डाल के रख दें, ताकि ये रात भर उस पानी को सोख ले। पानी में सोखने से होता ये है कि ये सीड्स की जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ कर देती है। तो चलिए इसे एक रात के लिए पानी में डाल के रखेंगे। अभी मैंने इसे पानी में डाल दिया है, तो इसे हम पूरी एक रात के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। हे गाइस, एक रात पूरी गुजर चुकी है और पूरी रात हमारे इलायची के जो सीड्स हैं वो पानी में भीग रहे थे। अब वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इन्हें जर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि इन्होंने पानी को थोड़ा सोख लिया है और इनका साइज ऑलमोस्ट डबल हो गया है। पहले तो ये काफ़ी छोटे थे। तो इसका जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है, उसके लिए हमें चाहिए कोकोपीट। हम इसकी जर्मिनेशन कोकोपीट में करेंगे, क्योंकि कोकोपीट काफ़ी ज़्यादा देर तक मॉइस्चर बनाए रखेगी। इसीलिए मैंने छोटे कप्स में कोकोपीट लिया हुआ है, और अब हम इस कोकोपीट में सीड्स को डालेंगे। एक कप में कम से कम 3 से 4 सीड डालेंगे। सीड्स डालने के बाद हमें चाहिए कि हम इन सीड्स को एक पतली सी कोकोपीट की लेयर से कवर कर दें। ज़्यादा कोकोपीट ना डालें, बस थोड़ी सी, ताकि ये छिप जाएं। धीरे से टैप कर दें इन पर, और इसे पानी देने का तरीका ये है कि आप इसे पानी कोई फॉलियर स्प्रे की मदद से दें, ताकि जो सीड्स अभी हमने इनमें डाले हैं वो अपनी जगह से हिले नहीं। ठीक है, तो मैं अपनी फॉलियर स्प्रे से इन पर पानी डालता हूँ। तो हमें करना ये है कि अब हम इन्हें मॉइस्ट रखेंगे हमेशा, तब तक इनकी जर्मिनेशन ना हो जाए। और हमें इन्हें ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ पे इसे डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट वहाँ पे ज़रूर हो। तो इस तरीके से आप इलायची की सीडलिंग कर सकते हो, इसकी सीड्स जर्मिनेशन हो जाएंगी। आप इसे ट्राई करें और मुझे अपना रिज़ल्ट ज़रूर बताएं कि आपकी जर्मिनेशन सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। तो अभी के लिए इतना ही। हम दोबारा से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर। और अगर आप में से कोई भी जिन्हें कोई सवाल करने हो या डाउट्स हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और आप में से जो नए हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हुए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।